Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to you all from this prestigious platform of Aspirants Institute. This is going to be first session of Headmaster, Headmistress, Senior Headmaster, Senior Headmistress, and Lecturer Education, Senior Subject Specialist, Subject Specialist Preparation. आज हम जो सबसे major concept हो, सबसे major जो area होता है, that is considered to be most tough area in the field of education, philosophy of education को discuss करने जा रहे हैं। हमारे ये 40-40 मिनट के तीन सेशन होंगे। पहले सेशन में हम जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे फिलॉसफी की, उसकी ब्रांचेस की एंड हिस्ट्री की। दूसरे सेशन के अंदर हम मेजर जो फिलॉसफीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल फिलॉसफीज हैं, उन तीन फिलॉसफीज को करेंगे और आखिरी सेशन में दो फिलॉसफीज को करेंगे। सो विल स्टार्ट। आप लोग सब लोग नोट पेन हो और नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं ताकि जो चीज भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं स्लाइड्स की मदद से आप लिखते जाइएगा, बाद में स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो लेट्स सी फिलॉसफी। अच्छा, जब हम जनरली फिलॉसफी की बात करते हैं तो हमें एक जहन में आता है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ समवन डिस्पोजिशन कि आपका यार इस बंदे का फलां चीज के बारे में इसकी फिलॉसफी ठीक नहीं है, आपकी इस खास पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या फिलॉसफी है। तो दैट मीन्स के अब हमारे पास जब इसका जनरली जो एक माइंड के अंदर इसका इमेज है वो एक जनरल डिस्पोजिशन का है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आपके किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन क्या है, आउटलुक क्या है, दैट इज योर फिलॉसफी। कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है खाओ पियो और मौज करो, कुछ लोगों की फिलॉसफी इससे थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती है, कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है कि आपकी इज्जत जो है वो असल में आपकी पूरी की पूरी लाइफ है। हम इस डिस्पोजिशन से हटकर दो चीजों पर बात करेंगे, वो होगी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी, उसके लिटरल मीनिंग एंड देन एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, एक तालीम की, नॉलेज की, इलम की, एक शोबे की हैसियत में फिलॉसफी क्या है। सो इसके लिटरल मीनिंग पे अगर जब हम जाते हैं, इसके लिटरल मीनिंग को अगर हम देखते हैं तो ये एक बीपीएससी का जेनेरिक एमसीक्यूज भी है कि व्हाट डज फिलो मीन्स और ये कहाँ से निकला। तो ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, philo that means love and sophia stand is wisdom. So if we talk about what is love, agar to ye philosophy hai to it is love of wisdom. So what is love? Love is a very strong word that describes strong desire, feeling for something. ek jab aapke ehsaasat kisi cheez ke bare mein bade shadeed hote hain, first you like something, this is a एक एक्सप्रेशन है लाइक समथिंग, और एक एक्सप्रेशन है लव समथिंग, इसका मतलब है यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। एंड विजडम क्या है? दानाई जिसे हम कहते हैं, राइट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, देन यू आर कॉल्ड वाइज विजडम। सो दिस इज लव फॉर विजडम अगर हम इसके लिटरल मीनिंग के ऊपर जाए तो। सो अगर हम इन लिटरल मीनिंग के बाद इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, मैं लास्ट में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं लास्ट में लूंगा और आप लोगों के माइक ऑन करके लूंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर हम इसकी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें तो ये है कि जी आपका जो फिलॉसफी है ये शुरू से ही एज अ डिसिप्लिन भी और एज अ हैबिट, एज अ कस्टम, एज अ ट्रेडिशन भी क्रिटिकल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, यूनिवर्स एंड रियलिटी इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन कि आप, हम कहते हैं कि जो फिलॉसफी है ना ये क्रिटिकल एटीट्यूड है, ठीक है, यू नीड टू बी क्रिटिकल इफ यू वॉन्ट टू बी फिलोसोफर। फिलोसोफर जो है वो क्रिटिकल होता है, वो हर चीज को एक क्रिटिकल एंगल से देखता है, उसके लिए इस्टेब्लिश फैक्ट कि ये उसको कोई बंदा 100 साल से मानता आ रहा है कि ये जी हकीकत है, लेकिन उस पर भी वो डाउट करेगा, उसको भी वो क्रिटिकल नजर से देखेगा।
than towards fundamental questions of life, जिस चीज के बारे में, जिंदगी के बारे में, जो बुनियादी fundamental question है, life के बारे में, universe के बारे में, reality के बारे में, आप इससे करते क्या हैं? ऐसे questions को address करते हैं जो philosopher के mind में आते हैं, जिन पर कभी कोई हल नहीं तलाश किया गया, और अगर उसका हल तलाश हो जाए तो वो साइंस बन जाता है। जो फील्ड भी साइंस से, फिलोसफी से निकल के साइंस में जाती है, इसका मतलब है उसका क्वेश्चन मिल गया। इसी वजह से फिलोसफी को मदर ऑफ साइंसेज भी कहते हैं। क्यों? जितनी भी साइंसेज हैं वो फिलोसफी से निकली हैं, और फिलोसफी से साइंस बनने का सफर ये है कि आपको अगर आपके किसी सवाल का जवाब मिल गया है, लॉजिकल आंसर मिल गया है, एस्टैब्लिश्ड आंसर मिल गया है, दिस इज नो मोर फिलॉसफी। अब वो फिलॉसफी का हिस्सा नहीं है, वो साइंस बन गई है, जहां पे आप एम्पिरिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करके अपने नतीजे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें होता क्या है कि फिलॉसफी जो है आपको जब आंसर फराहम करना शुरू कर देती है, दैट बिकम साइंस, वो आपका साइंस बन जाता है, वो फिलॉसफी का हिस्सा नहीं रहता। फिलॉसफी में हमेशा अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात होती है, जैसे ही उसका रिजल्ट मिला उसका, हाँ वो तब तक साइंस ही रहेगा जब तक एक और फिलोसफर आके उसको डाउट करेगा, कहेगा कि नहीं ये सेंथिसिस ठीक नहीं है, ये आंसर ठीक नहीं है, लेट्स गो अनदर डायरेक्शन, इसका और जवाब तलाश करते हैं, तो फिर दोबारा से फिलॉसफी का सफर शुरू हो जाए। फेमस डेफिनेशंस हैं जो कि प्लेटो, एरिस्टोटल और जॉन डेवी की, तो एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी देखी होंगी आपने कि पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो एक जनरल जो एक डेफिनेशन है, लव ऑफ एक्सरसाइजिंग वंस क्यूरोसिटी एंड इंटेलिजेंस, दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। आपका क्यूरोसिटी और इंटेलिजेंस को एक्सरसाइज करने का शौक फिलॉसफी है। फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ एटर्नल एंड एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स, थिंग्स बीइंग्स, मटेरियल भी, नॉन मटेरियल भी, ह्यूमन भी, मटेरियल भी, सारी की सारी यूनिवर्स की थिंग, उनकी एटर्नल नेचर, उनकी एसेंशियल नेचर को जानने के लिए, ये कहां से आई है, किसने बनाई है, कैसे बनी है, कब से यहाँ पर मौजूद है, बनी किस चीज की हुई है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप फिलॉसफी में ढूंढते हैं। और ये कहता है प्लेटो, फिलॉसफी इज अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ बीइंग आर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। फिलॉसफी इज नॉट द पैनिशिया ऑफ फॉर द प्रॉब्लम ऑफ मैन, फिलॉसफी में इंसान के मसाइल का हल नहीं है, but it is which that emerges out of the methods applied by them to solve the problems. ek practical approach ki baat ki hai John Dewey ne. maine mukhtasar definitions ko dekha, ab agar hum iski history ko dekhe, ek chhota sa maine ek touch diya history ko, dekhen insaan jab se maujood hai philosophy tab se maujood hai, insaan janne ki koshish kar raha hai ke mere se dur duniya mein kya hai, जो मेरे इर्द गिर्द दुनिया है इसके अंदर क्या है। एडम से ईव ने जैसे ही दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया, फॉरबिडन ट्री की तरफ गए, तब से और तब से पहले से ये दुनिया जो है, ये यूनिवर्स में जो है वो फिलॉसफी मौजूद है। अर्लियर जो लोग थे उनके क्वेश्चंस, क्योंकि उनकी दुनिया बड़ी लिमिटेड थी, ठीक है, हम अगर साइंस की जुबान में बात करें तो देवर हम एप्स से निकले, फिर आए तो उनकी डेवलपमेंट एवोल्यूशन हिस्ट्री है पूरी। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो देवर पीपल जो कि हंटर्स थे और फिर वो नॉर्मेडिक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एग्रीकल्चर सीख ली, एग्रीकल्चर को सीखने के बाद फिर उन्होंने ट्रेड शुरू की, ट्रेड से फिर सिटीज बनना शुरू हो गए, मार्केट्स बनना शुरू हो गए, तो ये हमारी एवोल्यूशन है। तो जो इब्तदाई लोग थे उनके जो इब्तदाई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
डिस्कनेक्ट पता नहीं कैसे हो गया। चलो ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज शायद इंटरनेट मसला कर रहा है, बिजली ऐसा होता नहीं है। चले तो जो इब्तदाई लोग थे उनकी जो सारी की सारी जो फिलॉसफी जो उनका उनके क्वेश्चंस थे उनके कंसर्न्स होते थे कि हम बने किस चीज से हुए, बेसिक क्वेश्चंस ऐसे होते थे बीइंग के बारे में। सो दो तीन राय हैं इंडियंस खास तौर पे जो ऑथर्स हैं या हमारे ईस्टर्न ऑथर्स हैं, कुछ लोग लोग कहते हैं कि जो फिलॉसफी है इसका ओरिजिन ईस्ट से है, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और एक्सेप्टेडली जनरली ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि फिलॉसफी का बतौर डिसिप्लिन जो आगाज है वो ग्रीक से। तो ग्रीक्स में हम पीरियड्स को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। एक फिलॉसफी का पीरियड शुरू होता है सोक्रेटिस से, और जो सोक्रेटिस से पहले के लोग हैं उनको हम कहते हैं प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स। सोक्रेटिस के बाद जो है वो प्लेटो से अरिस्टोटल, देन हमारी फिलोसफी आके आ जाती है जी कुछ और मिडिवियल एजेस के अंदर जो है वो हमारा इंटरनेट जस्ट क्रिएटिंग मेस टुडे यार। आई होप अगर अभी नहीं हुआ तो मैं फिर इसको एक दफा रीज्वाइन करूंगा शायद कनेक्शन में भी। चले मैं बात कर रहा था कि सोक्रेटिस प्री सोक्रेटिस और सोक्रेट से बाद, सुकरात के बाद वाले और सुकरात से पहले।